सरकार ने बाल विकास परियोजना के तहत गांव-गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खोला है ताकि गर्भवती धात्री महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण को सुनिश्चित किया जा सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है, भदोही जिला और आई ब्लॉक के प्रतापपुर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है। पिछले 5 साल से पोषाहार वितरण न होने से नगीना देवी सहित 20 महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सितुआ पावत हूँ नहीं, जब से लड़की पैदा हुई नहीं पाई। 3-4 लड़का हो गए तब ना मिला, जात जाब तो सितुआ न दे कहीं की जाओ नहीं है सितुआ, नहीं तो करिस बतिया लो ऐसे तेरा बस पढ़ाई की बिल्ले कह देते हैं सितुआ। आपके पता बा महीना में कई बार सितुआ मिले चाहे? पता बा कत महीना में 3 बार मिले, दोनों एक बार नहीं मिले, 3 बार कहाँ मिले। सितुआ न मिले से का दिक्कत होत है? दिक्कत ये बा गदेला कमजोर हो और दिक्कत नहीं बैग दिली के नहीं सही से रहती। कुल कितना लोग हैं जो इस समस्या से परेशान हैं? अरे हो ही 20-25 में रारू हो ही 40-50 लड़के। आपके पोषाहार मिला था? नहीं। कब से नहीं मिला था? अरे 1 साल से हुई थी। कभी काल का एक बार मिल जाए ना देखो बना, एक बार लेके गबो कर लेके तो तुरंत ही चिड़िया आई गई। ये बच्चा जब से भवा बा हम एक को बना पाए और पेट में जब रहा? पेटों में रहा था। अगर आपके पोषाहार मिले लगे तो आपके का फायदा हो? पोषाहार मिले लगे तो मतलब औरतों लोग स्वस्थ रही खाए पर, बच्चों भी स्वस्थ रही। आपके सेतुआ मिला था? सेतुआ तो ये गदेला कभी कभी दे ही हाई ना, दे बना ही करती और जब से गदेला पेट में बाहे तब से कहू दे नहीं दी। कई महीना बीत गया आपका गदेला? नौवा लगा बाहर 9 महीना में। अभी एक को बार दिन की नहीं? अभी एक को दिए नहीं दी। आप लोग मांगे जाते हैं? मांगे तो हम सही जात जाए थे। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित व नियमानुसार पोषाहार वितरित हो ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि और आई ब्लॉक के CDPO जिनका मोबाइल नंबर है 94-15-30-37-38 पर कॉल कर दबाव बनाए। मैं केशा देवी भदोही जिला से इंडिया अनहर्ड के लिए।